पब्लिक टीवी आपकी आवाज। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम द्वारा मुरादाबाद में प्रसिद्ध दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में गोकुलदास रोड स्थित टेम्यूटेशन मिठाई की दुकान में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान सभी मिठाइयों के सैंपल भरे गए, साथ ही आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मची रही, तो वहीं दुकान के मालिक के भी हाथ पांव फूल गए। और देखने वाली बात यह रही कि मिठाई की दुकान में 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी काम कर रहा था। जब मीडिया ने दुकान मालिक से पूछा तो उसने बताया कि ये बच्चा काम सीखने हमारी दुकान पर आ रहा है। छापेमारी के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए फूड इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि मुरादाबाद कमिश्नर द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं, त्योहारों के मद्देनजर सब दुकानों पर छापेमारी कर घटिया सामग्री हो बाहर निकाला जाए और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली, क्या करने आते हो यहाँ पर? कब से आ रहे हो यहाँ? आप काम सीखने आ रहे हो? क्या नाम है उसका? ये कहाँ पर है? तो तुम्हें कौन भेजता है यहाँ पर? मम्मी द्वारा महानगर में प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में छापेमारी की जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? ये अभी होली का जो है पर्व आ रहा है, तो उसके लिए हमारे फूड सेफ्टी कमिश्नर महोदय की तरफ से दिनांक 1 तारीख से लेकर 19 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें हम मिठाई, नमकीन, रंगीन कचड़ी, इन सब खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं। और हमारी ये कार्रवाई पिछले 1 मार्च से शुरू है और हमने अभी तक करीब 12 जगहों पर छापा मार दी। करीब 27 जो है फूड आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, जो जाँच के लिए भेजे गए हैं। आज हमें यहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई थी गोकुलदास रोड पे जो है उनकी टेम्पटेशन की रिटेल शॉप है, तो वहाँ भी लोगों ने कार्रवाई करके रात को करोड़ काजू की बर्फी का नंबर दिया और जो भी रिपोर्ट आती है उसमें फूड सेफ्टी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई होली अभियान तक जारी रहेगी। सर, देखने वाली बात यह है, यहाँ 18 साल से कम उम्र का एक बच्चा भी यहाँ पर काम कर रहा है, सर उसके लिए क्या? देखिए, उसके लिए लेबर विभाग जो है वो उनके लेबर एक्ट में ये प्रोविजन होता है, हम लोग हिदायत देते हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई होती है वो लेबर विभाग ही कर सकता है, इसके लिए वो उत्तरदायी है। सर, व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? व्यापारियों से हम यही अपील करेंगे कि वो आम जनता को शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराएँ और अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो अपने व्यापारी भाइयों को जागरूक करें और अब तब भी कोई नहीं मानता है तो विभाग को कॉन्टैक्ट करें ताकि विभाग उस पर कार्रवाई।